आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे SBI नेट बैंकिंग से 10,000 से ज़्यादा का ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। जब भी आप ट्रांसफ़र करते हैं SBI नेट बैंकिंग से, तो वहाँ पे आपको लिमिट बताया जाता है कि पर डे आप एक दिन में 10,000 तक ही मनी ट्रांसफ़र अपने नेट बैंकिंग से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो लेकिन आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप SBI नेट बैंकिंग यूज करके 10,000 से ज़्यादा आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो जानने के लिए हमारा ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ मोहम्मद जीशान आरिफ और आप देख रहे हैं जीशान टेक। तो चलिए कुछ आज नया सीख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूं और ये ऐप आपको इंस्टॉल करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो इसको इंस्टॉल हो जाने के बाद सिंपली से आपको करना कुछ नहीं, ओपन करना है। तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ओपन हो रहा है, कुछ इस तरह का ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहले ये फ़ोन कॉल के लिए अलाउ मांगेगा, आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट जन के स्किप कर दें। अभी यहाँ सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए नीचे में दो नंबर वाला ऑप्शन है न्यू यूजर, तो न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे और नीचे में प्रोसीड का ऑप्शन है, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहां से एक नया नेट बैंकिंग अपना क्रिएट कर सकते, नेट बैंकिंग बना सकते, अपना अकाउंट नंबर, अपने अकाउंट का CAIF नंबर। तो यहाँ से अपना ब्रांच कोड इंटर करेंगे, अपना कंट्रीज इंटर करेंगे। यहाँ पे आपका रजिस्टर मोबाइल, जो आपके अकाउंट में रजिस्टर मोबाइल नंबर है, वो आपको इसमें इंटर कर देना है इस नंबर बॉक्स में। उसके बाद आपको उसके बाद फैसिलिटी यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, फुल ट्रांजेक्शन लिमिट, फुल ट्रांजेक्शन राइट, लिमिट ट्रांजेक्शन। आपको फुल ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर देना है। फुल ट्रांजेक्शन क्लिक करना, यहाँ पर ये टेक्स्ट जो इस टेक्स्ट उसमें इंटर करके सबमिट करना। उसके बाद आपको आपका रजिस्टर मोबाइल पर OTP आएगा, उसके बाद आपका ATM का कुछ डिटेल मांगेगा, उसके बाद आप इसमें नेट बैंकिंग बना सकते हो। तो चलिए, अगर आपका नेट बैंकिंग बना हुआ है तो किस तरह लॉगिन करते हैं और किस तरह एक दिन में 10,000 से ज़्यादा किसी को ट्रांसफ़र, मनी ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहला रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने जो यूजर आईडी आपका है और जो पासवर्ड, वो आप इसमें एंटर कर दीजिए। मैं इंटर कर लेता हूँ। यूजर आईडी पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे, सबमिट मेरा हो चुका है। यहाँ पे इसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको यहाँ पे टिक मार्क लगा दीजिए। टिक मार्क लगाने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक्सेप्ट कैंसिल। तो आपको सिंपली से नीचे में एक्सेप्ट बटन को क्लिक करना है। तो चलिए एक्सेप्ट बटन को क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ SMS व्यू SMS के लिए अलाउ मांगेगा, आप अलाउ कर देंगे। उसके बाद देख सकते हैं एक SBI की तरफ से कि हमें OTP आ चुका है। तो ये OTP आ चुका है, तो इस OTP को हमको उसमें इंटर कर देना है। तो सभी का OTP अलग अलग रहेगा, जो OTP है उसको आप यहाँ एक्टिवेशन कोड में इंटर कर दीजिए। पेस्ट नहीं ले रहा तो मैं इसको फिलअप कर देता हूँ, 8733। ठीक है, तो एक्टिवेशन कोड में जो OTP आया वो इंटर करना। उसके बाद नीचे में एक सबमिट बटन है, तो आपको सिंपली से सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ यूजर एक्टिवेट सक्सेसफुल, हमारा ये जो था सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद नीचे में ओके कर देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे, कुछ लॉगिन का इंटरफेस इस तरह आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं, या आप यहाँ से इजीली पिन बना के रख लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको पिन बनाना होगा मैन, ठीक है, तो पिन बना के आप लॉगिन कर लीजिए। तो इसमें पिन इंटर करता हूँ मैं। जैसा कि देख पा रहे, मैं पिन इंटर कर लिया हूँ, क्योंकि मेरा पहले से अकाउंट ये बना हुआ था,
तो इसलिए मेरा पिन मुझे याद था। अगर आप पहली बार आए तो आपको वहाँ पे पिन नया क्रिएट करना होगा। यहाँ पे आपको व्यू बैलेंस पे क्लिक करके अपने अकाउंट के व्यू बैलेंस चेक कर, तो यहाँ पे माय अकाउंट पे क्लिक करके अपने अकाउंट का समरी, अपने अकाउंट का पूरा डिटेल जो होता है वो आप यहाँ से चेक करते हो। यहाँ अपने अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये हमारे अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट भी हो चुका है। तो इसी तरह आप सब फंड ट्रांसफर, डिपॉजिट, टॉपअप, रिचार्ज, बिल पेमेंट, सब बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले दो नंबर ऑप्शन में फंड ट्रांसफर क्लिक करेंगे। जैसे आप फंड ट्रांसफर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा नीचे में, यहाँ पे आपको मिल जाएगा पांच नंबर में क्विक ट्रांसफर एंड डोनेशन। तो आपको क्विक ट्रांसफर पे क्लिक करना है। जैसे क्विक ट्रांसफर क्लिक करें, यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, डोनेशन, सेंड मनी, रिसीव मनी। तो आपको करना कुछ ना, आपको दो नंबर वाले ऑप्शन सेंड मनी को सिलेक्ट कर लेना है। सेंड मनी को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ डेबिट फॉरम अकाउंट, यहाँ पे आप किस अकाउंट से डेबिट करना चाहते तो वो शो करेगा। आप अगर आपका स्टेट में दो अकाउंट होगा तो यहाँ पे दो अकाउंट शो करेगा। जैसे कोई लोन वाला हो या आपका क्रेडिट कार्ड वाला, कोई भी लोन हो अकाउंट, वो आपको शो करेगा। एक ही अकाउंट तो एक ही यहाँ शो करेगा, तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा स्कैन नो पिक फ्रॉम गैलरी, आपको यूजिंग अकाउंट डिटेल, ये वाले ऑप्शन नीचे में देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपका डेबिट अकाउंट यहाँ रहेगा। उसके बाद जिसको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका, जिसको आप ट्रांसफ़र करें उसका बेनिफिशियरी नेम। उसके बाद यहाँ पे जिसको, जिसके अकाउंट में आप पेमेंट भेजना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उसका अकाउंट नंबर आपको दो नंबर वाले बॉक्स में देना है। तीन नंबर वाले बॉक्स में कन्फर्म अकाउंट नंबर देना है। ऊपर में जो दी वही अकाउंट नंबर आपको तीन नंबर वाले इस बॉक्स में देना है, ठीक है। तो उसके नीचे आईएफएससी कोड आपको इंटर करना है, जिस अकाउंट में आप भेज रहे हो उसका आईएफएससी कोड क्या है वो आपको इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट जितना भी इंटर करना चाहे तो आप इंटर कर सकते हैं। तो चलिए मैं इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद अकाउंट डिटेल इंटर करने के बाद आपको सबमिट करना, सबमिट जैसे करेंगे, जैसे देख पा रहे मैं एक रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो उसके बाद नीचे में आपका पूरा डिटेल हो आ जाएगा, जिसमें आप भेज रहे हैं, जिस अकाउंट से भेज रहे हैं, वो सारा चीज़ आप एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद नीचे में कन्फर्म है तो आप सिंपली से कन्फर्म कर लीजिए। नीचे में कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म बटन पर क्लिक करने के बाद एक OTP आ गया, तो मेरा OTP आ चुका है, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट भी ले चुका है। तो उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्विक ट्रांसफ़र फॉर RS 1 रुपये ऑन 1 मार्च 2019 सक्सेसफुल ट्रांसफ़र, हमारा जो ये 1 रुपये था वो सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद हम ऐड बेनिफिशरी ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐड करना चाहे तो नीचे में क्लिक हेयर पर क्लिक करें, नहीं करना चाहे तो आप ओके पर क्लिक करें। मैं ऐड करना क्लिक ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड जो आपका होगा, जो भी आप नेट बैंकिंग बनाते वक्त दिए थे प्रोफाइल पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड, दो पासवर्ड आपको सिलेक्ट करना होता है। तो प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा। तो चलिए मैं इंटर कर लेता, मैं पासवर्ड इंटर करने के बाद सबमिट कर चुका हूँ। यहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह सारा चीज़ आएगा, चेक करके आप यहाँ सबमिट कर देंगे, आपका बेनिफिशरी ऐड हो जाएगा। हर बार अगर आप पेमेंट करना चाहें तो आपको हर बार इसमें अकाउंट नंबर इंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें। ये जानकारी अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाए, इसके लिए आपको शेयर कर दें। तो आप ये हमारा वीडियो को शेयर कर दें। अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दें, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ज़रूर उनकी समस्या को सुलझाने की कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये ट्रिक सिर्फ आपको मोबाइल पे ही काम करेगा, आपको सिस्टम पे ये ट्रिक काम नहीं करेगा।